इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में देर रात तक चलता रहा भिक्षुओं को नगर से बाहर छोड़ने का काम। नगर निगम कर्मचारी द्वारा भिक्षा वृत्ति करने वालों को शहरी सीमा से बाहर छोड़ने के बाद पर आला अधिकारी देर रात तक परेशान होते रहे। अधिकारियों द्वारा संज्ञान देने पर पता चला कि यह तो प्रवासी मजदूरों का डेरा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भिक्षावृत्ति करने वालों को शहर सीमा से बाहर करने की वीडियो ने शहर को शर्मसार कर दिया था। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारी और दो कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया, लेकिन देर रात एक और वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को ऐसा ही एक और मामला भिक्षुकों को शहर के बाहरी सीमा में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा छोड़कर जाने का मामला मिला था, जिसको लेकर हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय पुलिस सहित आला अधिकारी और रिजर्व बल मौके पर पहुंच गया तो जांच करने पर पता चला कि बड़नगर जिले के कुछ प्रवासी मजदूर जो बैल बेचने और लोहारी का काम करते हैं, वह अपना डेरा डाले सनावदिया गांव के पास ठहरे हुए हैं। मेरा नाम सागर है। कहाँ से आए हो? बड़नगर से। क्या करते हो आप? बेल बेचते हैं। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ बेल बेच के सनावत बेचने में गए थे। ये नगर निगम वाली बात किन्ने बोली? नगर निगम वाले ने भगाए थे तीन इमली से, हमारी बच्ची घूम गई थी। तो कब भगाया था? हो गए 5-6 दिन। वहाँ से भगाया था? हाँ। क्यों भगाया था? क्या मालूम, उन्होंने सही भगा दिया सर। बच्ची भी नहीं ढूंढने दी हमारी। हाँ, कंट्रोल के माध्यम से हमको सूचना मिली थी और हमारे जो गश्त के अधिकारी थे सभी जिस स्थान पर बताया गया था सनावदिया में, वहाँ के हमने तस्दीक किया। तस्दीक में पाया गया कि वो भिक्षावर्ती या जो मांगने वाले वो लोग नहीं हैं। तस्दीक करने पे ये अपने लोहार है, बड़नगर से आए हुए हैं और अपने कार्य से आए हुए हैं। इसलिए तस्दीक नहीं, तो खुद ही यहाँ पे रह रहे अपने बैलगाड़ी से आए हुए साथ में।